सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज समर्थित एमएलसी उम्मीदवार की जीत पर जश्न, पटाखे फोड़े व बांटी मिठाइयां। नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। कटिहार जनसुराज कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी समर्थित एमएलसी उम्मीदवार की जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाइयां खिलाई। बड़े अंतर की जीत पर उत्साही कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े। कटिहार के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा ने इस जीत को प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करारा जवाब बताया। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा था कि राजनीति के बारे में प्रशांत किशोर को कुछ नहीं आता है। 5 अप्रैल 2023 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज समर्थित प्रत्याशी अफाक आलम को जिताकर प्रशांत जी ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह पिक्चर की कास्टिंग है। 2024 का लोकसभा चुनाव इंटरवेल होगा और 2025 में पूरी पिक्चर रिलीज होगी। श्री शर्मा ने कहा कि सारण की जीत तब हुई है जब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पदयात्रा पर ही हैं। अभी तक उन्होंने 5 जिला की पदयात्रा ही पूरी की है और 6ठा जिला सारण में यात्रा कर रहे हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में यह सभी जिला शामिल है। 5 जिलों की पदयात्रा के बाद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल किए हैं तो पूरे बिहार की पदयात्रा के बाद जनता महागठबंधन और एनडीए को नकार कर जनसुराज में अपनी आस्था जताएगी, ऐसी मुझे आशा और पूरा विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण लाइव टीवी समाचार, कटिहार। कि 2 अक्टूबर इतियारुआ फें प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पदयात्रा शुरू की थी। अभी मात्र 6 महीना में 6ठे जिले में पदयात्रा चल रही है। 9 अप्रैल को 7वें जिले वैशाली में पदयात्रा पहुंचेगी। हमारे बेतिया के जनसुराज नेता शिक्षक श्री अफाक अहमद साहब 2 अक्टूबर से ही हम लोगों की पदयात्रा में हम लोगों के साथ चल रहे थे। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 3 से जनसुराज के समर्थन पर उन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था और काफी बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। ये जनसुराज की ये पहली जीत है। इसके लिए अफाक अहमद साहब को बहुत बहुत बधाई एवं हमारे जनसुराज के प्रनेता प्रशांत किशोर जी, जिनके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था अगस्त 2022 में कि प्रशांत किशोर जी को राजनीति का कोखो नहीं आता है। नीतीश कुमार जी, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करते हुए विधान परिषद की 5 सीट में 1 सीट चुनाव लड़वाकर जितवाकर आपके सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 5 अप्रैल 2023 का रिजल्ट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का पिक्चर की कास्टिंग है और 2024 में इसका इंटरवेल होगा और 2025 में पिक्चर पूर्ण होगी। जी, फाइनली क्या संदेश है कार्यकर्ताओं और समर्थकों को? फाइनली संदेश, जब 6 जिलों की पदयात्रा पर 6 जिलों के मतदाताओं ने जनसुराज के का हौसला अफजाई करने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए मतदान के द्वारा जो समर्थन जनसुराज को दिया है, प्रशांत किशोर जी को दिया है, यह साबित करता है कि पूरे बिहार की पदयात्रा होते होते पूरे बिहार में नया बिहार बनाने के लिए महागठबंधन और एनडीए को नकार कर पूरा बिहार की जनता जनसुराज के समर्थन में आने को तैयार है, ऐसा मुझे विश्वास है।